start new Oxford Primary Science Book 2. Now we start on unit number 5, animals. Animals कहते हैं जानवरों को, किसको कहते हैं? जानवरों को. रिकॉल पहले पढ़ लेते हैं कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे. एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, मुख्तलिफ साइज मतलब जिसामत के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं. एनिमल्स ब्रीथ, सांस लेते हैं, मूव चलते हैं, ईट एंड ड्रिंक खाते पीते हैं, एंड रिप्रोड्यूस एंड डाई पैदा होते हैं और मर जाते हैं. जैसे इंसानों के साथ होता है मतलब जानवर भी सेम ऐसे ही होते हैं. एनिमल्स कैन बी डोमेस्टिक और वाइल्ड. जानवर घरेलू भी होते हैं जिनको घरों में पाला जा सकता है. वाइल्ड कहते हैं जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं. सम एनिमल्स फाइंड एट होम, अदर्स बिल्ड देयर ऑन होम. मतलब वो कह रहे हैं कि सम एनिमल्स फाइंड अ होम जो घर में रहती है, अदर्स दूसरे बिल्ड देयर ऑन होम जो दूसरे अपने घर बना लेते हैं. इंसेक्ट्स आर स्मॉल, हशरात कीड़े मकोड़े आर स्मॉल छोटे होते हैं. क्रिएचर विद सिक्स लेग्स, ऐसी मखलूक जो मतलब जिनकी छः टांगें होती हैं. यू विल लर्न दैट आप सीखेंगे एनिमल लिव्ड ऑन लैंड इन वाटर एंड सम कैन फ्लाई. मतलब कुछ जानवर जो पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ उड़ते हैं. एनिमल हैव स्पेशल बॉडी पार्ट विच आर यूज इन डिफरेंट वेज. सम एनिमल्स और आर वाइल्ड एंड अदर्स आर टेम. टेम भी कहते हैं डोमेस्टिक और घरेलू जानवरों को. टेम एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज. जो कह रहे हैं टेम एनिमल्स होते हैं जिनको घरों में रखा जा सकता है, जैसे डोंकी होता है, गायें हो गई, इस तरह के जो जानवर होते हैं बहुत से तरीक़ों में हमें मदद देते हैं. वी गेट फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल्स. हम उनसे बहुत ही फ़ायदेमंद और जो मुफीद चीज़ें हैं हासिल करते हैं. जैसे गाय भैंस होती है उनसे दूध हासिल कर सकते हैं. सम यंग एनिमल्स लुक लाइक देयर पेरेंट्स. जो बहुत छोटे जानवर होते हैं वो अपने वालदैन जैसे नज़र आते हैं. अदर्स डू नॉट, बाकी इनके जैसे नज़र नहीं आते. चलिए नाउ स्टार्ट आवर रीडिंग. रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अपनी. मैनी एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ. अर्थ कहते हैं ज़मीन को. मैनी एनिमल्स बहुत से जानवर लिव रहते हैं ऑन द अर्थ ज़मीन पर. सम कुछ लिव रहते हैं ऑन लैंड ज़मीन पर. एंड सम लाइक फिश और जैसे कि मछली जो होती है लिव इन वाटर पानी में रहती है. सम इंसेक्ट्स हशरात को बोलते हैं या कीड़े मकोड़ों को बोलते हैं. लिव इन दी ग्रास घास पर रहते हैं. एंड मैनी कैन फ्लाई और वो उनमें से बहुत से उड़ सकते हैं. बी आई आर डी एस बर्ड्स. बर्ड्स कहते हैं परिंदों को. मेक देयर नेस्ट. नेस्ट कहते हैं घोंसलों को. इन ट्रीज दरख्तों में. बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज. जो परिंदे होते हैं वो दरख्तों को अपना घोंसला बनाते हैं. एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस मुख्तलिफ जगहों पर. एंड इन डिफरेंट वेज और मुख्तलिफ तरीक़ों से. वो क्या कह रहे हैं कि जानवर जो है वो कह रहे हैं कि एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस मुख्तलिफ जगहों पर भी रहते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से रह सकते हैं. अब नीचे पिक्चर्स में देखें कुछ जानवर जो पानी में रहते हैं जैसे मछली है, क्रैब है, ऑक्टोपस है, ये मतलब इस तरह के जो जानवर होते हैं वो पानी में रहते हैं. और जो इस तरह जो कुछ परिंदे हैं वो दरख्तों में अपने घोंसले बना कर रह सकते हैं. इस तरह मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से और मुख्तलिफ जगह पर रहते हैं. आगे है स्पेशल बॉडी पार्ट, ख़ास जिस्म के हिस्से. एनिमल्स हैव डिफरेंट मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स जिस्म के हिस्से टू हेल्प मदद देते हैं देम लिव उन्हें ज़िंदा रहने में. एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हेल्प देम लिव. जो उनके मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से होते हैं उन्हें मदद देते हैं ज़िंदा रहने में. फाइंड फूड खुराक ढूंढने में एंड मूव और हरकत करने में. बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई. विंग्स कहते हैं पड़ों को टू फ्लाई उड़ने के लिए. बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई. जो परिंदे होते हैं परिंदों के पर हैं उन्हें उड़ने में मदद देते हैं. दे हैव बीक्स कहते हैं चूँच को. जान परिंदों की चूँच होती है ना जैसे कवे की चूँच होती है. दे हैव बीक्स उनकी चूँच टू कैच पकड़ने में. डब्ल्यू ओ आर एम एस वर्म्स कीड़े. ए एन डी एंड ईट ग्रेन. जी आर ए आई एन ग्रेन दाने. एंड एस डबल ई डी एस सीड्स बीज. जो परिंदों की चूँच होती है वो किस में मदद देती है? कीड़े पकड़ने में और दाने और बीज खाने में. नाउ ओपन द पेज नंबर 33. डक्स एंड फ्रॉग्स. डक्स कहते हैं बत्तख को. फ्रॉग्स मेंढक. हैव वेब्ड डब्ल्यू ई डबल बी ई डी. वेब्ड वेब्ड कहते हैं चिपटा सीधा जो होता है. वेब्ड फीट सीधे पाँव. देखिए बत्तख और जो मेंढक है उनके पाँव बिल्कुल सीधे होते हैं.
टू हेल्प देम, मदद देते हैं उन्हें। एस डब्ल्यू आई एम स्विम, तैरने में। किस चीज़ में मदद देते हैं? तैरने में मदद देते हैं। उनके जो सीधे चिपटे पाँव होते हैं उनको तैरने में मदद देते हैं। अ जिराफ, जराफा। ए हैज अ लॉन्ग नेक, जिराफ जिराफे को कहते हैं। इसकी लंबी गर्दन जो होती है, इसकी लंबी गर्दन होती है। इट कैन ईट, ये खा सकता है। द लीव्स, पत्तों को। ऑफ टॉल ट्रीज, लंबे दरख्तों को। देखिए जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, जिराफ को किस चीज़ में ये मदद देती है? इसकी लंबी गर्दन लंबे लंबे दरख्तों के पत्ते खाने में इसको आसानी से मदद देते हैं। नाउ ओपन द पेज नंबर 34। वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड कहते हैं जंगली को। एनिमल्स जानवर, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, जो जंगली जानवर वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में, जंगल में। एंड जंगल्स, और जंगल में फॉरेस्ट भी जंगल होता है और जंगल्स भी जंगल को ही कहते हैं। दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम। मैनी वाइल्ड एनिमल्स, बहुत से जंगली जानवर ईट प्लांट्स, पौधे खाते हैं। सम ईट ईट अदर एनिमल, और कुछ जानवर जो होते हैं वो दूसरे जानवरों को खाते हैं। ठीक है, आगे है जैसे ये रेकॉन, आगे है स्कैवेंजर्स सच एज द हाइना, वाइल्ड डॉग एंड वुलचर ईट डेड एनिमल्स। स्कैवेंजर्स कहते हैं मुर्दार खोर, जो मुर्दा जानवरों को खाते हैं। ठीक है, सच एज, जैसे कि हाइना, वाइल्ड डॉग एंड वुलचर। जैसे अभी ये गिद्ध बनी हुई है तो इसको वुलचर है ना, ये गिद्ध कहते हैं इसको। अब ये क्या खाती हैं? जो जानवर मर जाते हैं ना, ये इनका गोश्त खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू को। टेम पालतू जो जानवर हम घरों में पाल सकते हैं उन जानवरों को क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल। सम एनिमल्स, कुछ जानवर कैन बी टेम्ड, जो कि घरों में पाले जाते हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल, उनको क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल, घरेलू जानवर। सम लिव इन आर हाउसेस एज पेट्स, कुछ जो पेट्स भी पालतू को कहते हैं। कुछ जानवर जो घरों में रखे जाते हैं वो पालतू, जैसे कि पालतू जानवर होते हैं। अदर आर कैप्ट ऑन फार्म्स, और कुछ जानवरों का फार्म्स में, मतलब जैसे गायें रखी जाती हैं, घोड़े रखे जाते हैं, इस तरह फार्म हाउस में रखा जाता है। दे हेल्प, मदद देते हैं अस, हमें। इन मैनी वेज, बहुत से तरीक़ों से। अब देखें जो घरेलू जानवर कौन कौन से हैं? डॉग, काओ। इस तरह फार्म हाउस बना होता है, ये जो पिक्चर बनी हुई है ना, इस तरह का फार्म हाउस होता है, उधर रखे जाते हैं। पैरट भी घर में रखा जाता है, गोल्ड फिश भी रखी जा सकती है। मछलियाँ कई किस्म की होती है जो घरों में रखी जाती है, और कैट्स भी घरों में रखी जा सकती है। ये सारे क्या जानवर हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। कौन से हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स। पेट्स आर फ्रेंड्स, ये हमारे दोस्त हैं। एंड दे आर यूजफुल टू, और ये मददगार भी होते हैं, फ़ायदेमंद भी होते हैं। कैट्स चेज अवे माइस, बिल्लियाँ क्या करती हैं? चूहों को पकड़ती हैं। नाउ ओपन द पेज नंबर 35। सम डोमेस्टिक एनिमल्स, कुछ घरेलू जानवर गिव अस मिल्क, हमें दूध देते हैं। जैसे काओ और गोट, बकरी। काओ किसको कहते हैं? गाय को। गोट किसको कहते हैं? बकरी को। मैनी पीपल, बहुत से लोग ईट खाते हैं। द फ्लैश कहते हैं गोश्त को। क्या कहते हैं? फ्लैश, गोश्त। ईट द फ्लैश ऑफ दीज एनिमल्स, अब कुछ जानवर जो लोग हैं वो क्या खाते हैं? इन जानवरों का गोश्त। अब देखते हैं किन किन जानवरों का गोश्त खाया जा सकता है। आगे है शीप, भेड़ का गोश्त खाया जाता है। हैन मुर्गी का, फिश मछली का, क्रैब केकड़ा टर्की। अब इन ये जानवर कौन से हैं जिनका गोश्त खाया जा सकता है? आगे है दीज एनिमल्स आर बर्ड्स, अब ये जो जानवर दिए गए ये क्या हैं? बर्ड्स हैं। दे गिव अस एग्स, ये हमें क्या देते हैं? अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे। हैन डक गूस, आगे है दीज एनिमल गिव अस सिल्क वूल फर एंड लेदर, ये जो नीचे जानवर बनाए गए ये हमें क्या देते हैं? सिल्क वूल फर एंड लेदर, ये कपड़े के किस्मों के नाम है। ठीक है, ये हमें ऐसे जो गर्म कपड़े होते हैं ना, वो वाले कपड़े, जैसे वूल गर्म ऊन को कहते हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कहाँ से मिलती हैं? इन जानवरों से। देखिए काव और शिप, शिप की जो ऊपर फर होती है, खाल होती है, उससे गर्म कपड़े बनते हैं। अब कौन कौन से वजह से बनते हैं? सिल्क वाम है, तो सिल्क वाम से क्या बनेगा? सिल्क स्कार्फ, जो नरम नरम होते हैं, जैसे फर वाले कपड़े होते हैं ना, जो सर्दियों में इस्तेमाल होते हैं। काव, काओ और शिप से क्या बनेगा? काओ से लेदर जैकेट, और शिप से वुलन स्वेटर, मतलब गर्म कपड़े स्वेटर जो होते हैं। इनसे हम क्या बना सकते हैं? गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े। ठीक है,
ना अपन पेज नंबर 36 कॉन्सेप्ट चेक। इसका मतलब है कि आपने पीछे जो रीडिंग की है आपको कितना उसमें से आता है, क्या चीज़ आपको माइंड में क्लियर हो चुकी है। फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें 3 दी गई हैं, इस जो हमने अभी तक पीछे रीडिंग की है ये उसी में से है। अब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा हमने कितना उसको अच्छे से याद किया, ठीक पढ़ा है, ठीक है। अ डैश एनिमल, ऐसे जानवर इज वन, उनमें से एक, दैट इज केयर्ड फॉर, जिनको देखभाल के लिए रखा जाता है, एंड यूज फॉर ह्यूमंस, और इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कौन से थे, टेम, जो घरों में रखे जो डोमेस्टिक होते हैं, वाइल्ड जंगली जानवर होते हैं, तो किनको रखा जाता है, टेम एनिमल को। यहाँ क्या आएगा, TAME, टेम, ठीक है। यहाँ पर टिक भी करेंगे और राइट भी करेंगे साथ साथ। सेकेंड है, पेट्स एंड डैश एनिमल्स आर टेम एनिमल्स। अब वो कह रहे हैं जो पेट्स पालतू एंड डैश, कौन से ऐसे जानवर हैं जो टेम एनिमल्स जिनको कहा जाता है, तो वाइल्ड, जंगली, डोमेस्टिक, घरेलू, तो क्या आएगा, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक स्पेलिंग राइट करेंगे यहाँ पे, DOMESTIC, डोमेस्टिक, घरेलू जानवर। डैश कैन बी यूज टू पुल कार्ट्स, कार्ट्स कहते हैं छकड़े को, गाड़ी को, बैलगाड़ी जो होती है उसको कहते हैं, तो कैन बी यूज, इस्तेमाल करते हैं टू पुल कार्ट्स, बैलगाड़ी खींचने के लिए, ये गाड़ी खींचने के लिए कौन से जानवर को इस्तेमाल किया जाता है, हॉर्सेस, घोड़ों को, माइस, चूहों को, तो किसको किया जाता है, हॉर्सेस, HORSES, हॉर्सेस। आगे है बेबी एनिमल्स, जो जानवरों के बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, बेबी एनिमल्स, बेबी बच्चे एनिमल्स जानवरों के। मैनी एनिमल्स हैव बेबीज, बहुत से जानवरों के बच्चे होते हैं, दैट लुक लाइक देम, जो उन्हीं की तरह के नज़र आते हैं। अदर्स, दूसरे एनिमल्स, जानवर, डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स, अपने वालिदैन जैसे नज़र नहीं आते। फ्रॉग्स एंड फिश, फ्रॉग कहते हैं मेंढक को, फिश मछली, ले एग्स, अंडे देती है, इन वाटर, पानी में। बेबी फिश आर कॉल्ड फ्राई, जो बेबी फिश होती है उसको क्या कहते हैं, फ्राई, FRY, फ्राई। बेबी फ्रॉग आर कॉल्ड टैडपोल्स, जो फ्रॉग के बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं, बेबी फ्रॉग और टैडपोल्स। आगे है, दे डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स वालदैन जैसे नज़र नहीं आते। अब देखिए ये जो मेंढक है, आप देखिए इसके जो बच्चे छोटे छोटे वो टैडपोल्स हैं, अब ये बिल्कुल इसके जैसे नहीं है, चेंज है ना थोड़े से, जब ये बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो फिर अब वो मेंढक जैसे, वो इस मेंढक जैसे नजर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वान एंड सिग्नेंट, बियर एंड कब, ये कुछ जानवरों के पिक्चर्स बनी हुई है, साथ उनके बच्चे बनाए हुए हैं, देखिए वो कह रहे हैं कि सेम नज़र आते हैं कि नहीं। स्वान एंड सिग्नेंट, बियर एंड कब, हॉर्स एंड फॉल, फ्रॉग एंड टैडपोल। नेक्स्ट है, कंसेप्ट चेक, जैसे ऊपर हमने फिलिंग भी ब्लैंक्स की थी, इसी तरह आप ये भी करेंगे। मैच द अडल्ट, अडल्ट कहते हैं बड़े को, मैच द अडल्ट विद देयर यंग्स, यंग्स कहते हैं छोटे बच्चों को, वो कह रहे हैं मैच करना है आपने बड़े जो मतलब बड़ा जानवर है उसके जो बच्चे होते हैं उनके साथ, जिस जिस जानवर का जो होगा, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो बड़े जानवर है उनको उनके बच्चों के साथ जो मतलब लिखा है यहाँ पे जो जानवर के नाम लिखे उनके बच्चों के साथ मैच करना है। जैसे स्वान, तो अब हमने पढ़ा था इसका सिग्नेट, अब देखते हैं वो कहाँ लिखा है, कफ, किटन, सिग्नेट, फॉल, टैडपोल, फ्राई, तो सिग्नेट ये है, इसको क्या मैच, किसके मैच करेंगे, स्वान को सिग्नेट के साथ। आगे है फ्रॉग, मेंढक, तो मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं, टैडपोल, यहाँ लिखा हुआ है, तो फ्रॉग को मैच करेंगे टैडपोल से, किससे, टैडपोल। आगे है बियर, तो बियर का हमने पढ़ा था कब, अब फर्स्ट पे लिखा हुआ है तो थर्ड को मैच करेंगे फर्स्ट वाले के साथ। नेक्स्ट है कैट, कैट को मैच करेंगे किससे, किटन है, फॉल है, फ्राई है, तो कैट जो बिल्ली के बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, किटन, कैट को मैच करेंगे किटन वाले बॉक्स से। नेक्स्ट है फिश, फिश के बच्चे को क्या कहते हैं, फ्राई, फिश के बच्चे को क्या कहते हैं, फ्राई। लास्ट पे है हॉर्स, तो हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हैं, फॉल, क्या कहते हैं, फॉल। नाउ ओपन द पेज नंबर 37। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर, आपने जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं आपने इसमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है, उस पर टिक राइट करना है। फर्स्ट है, विच ऑफ दीज वुड बी यूज फॉर वाइल्ड एनिमल्स, वो कह रहे हैं विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा वुड बी यूजफुल, इस फायदेमंद होता है फॉर अ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों के लिए, दैट ईट्स डियर, जो कि हिरन खाता है। द अबिलिटी टू रन फास्ट, द अबिलिटी टू मूव क्वाइटली,
लार्ज क्लॉज एंड टीथ ऑल ऑफ द अबव। वो कह रहे कौन सी ऐसी चीज़ है जो डियर कहते हैं हिरन को खाने में, हिरन खाने में उसकी मदद करती है। लार्ज क्लॉज, बड़े पंजे एंड टीथ और उसके दांत। किसके पे आएगा? सी वाले ऑप्शन पे, लार्ज क्लॉज एंड टीथ, लंबे पंजे, बड़े बड़े पंजे और दांत। नेक्स्ट है विच थ्री ऑफ दीज कैन कम फ्रॉम हैन। हैन से क्या क्या चीज़ें, थ्री कौन सी तीन चीज़ें मिलती हैं, थ्री कह रही है ना विच थ्री, तो कौन सी तीन चीज़ें जो हैन से हमें मिलती हैं। मीट गोश्त मिलता है तो गोश्त पे टिक करेंगे। एग्स एग्स भी मिलते हैं। फीदर पार होते हैं मछली में और सॉरी मुर्गी में। मिल्क नहीं होता तो इस पर टिक नहीं करेंगे। वन टू थ्री, तो थ्री बोला था हमने, थ्री पर टिक कर दिया। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज एनिमल्स इज अ स्कैवेंजर्स। अब वो कह रहे हैं कि मुर्दार और जो मुर्दा जानवर खाते हैं वो कौन सा है इसमें से। हॉर्स घोड़ा बियर रीच वल्चर गिद्ध टाइगर शेर या चीता। तो अब वो कह रहे हैं कौन सा इनमें से है, तो कौन सा आएगा वल्चर सी वाले ऑप्शन पे। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज है वेप्ड फीट, किस किस इनमें से किसके पाँव जो है वो चिपटे होते हैं सीधे होते हैं। डक्स बतख के, फिश मछली के, बियर रीच के, गोट बकरी के, तो किसके होते हैं डक के, तो किस पे आएगा डक्स पे, ए वाले ऑप्शन पे। लास्ट है इसमें से विच ऑफ दीज इज अ वाइल्ड एनिमल, वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो जानवर है वो वाइल्ड एनिमल है जो जंगल में रहता है। हॉर्स घोड़ा बियर रीच किटन बिल्ली का बच्चा शीप भेड़, तो कौन सा है बियर रीच, रीच को घरों में तो नहीं रखा जाता ना इसलिए ये जंगली जानवर है। आगे है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्सेस इन द बॉक्स। अब जो इस बॉक्स में जो वर्ड दिए गए इनको यूज़ करते हुए अपने फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट है सिल्क वर्म, शीप, हैन, एग्स, कैट। फर्स्ट है वी गेट सिल्क फ्रॉम आर डैश, हम सिल्क कहाँ से हासिल करते हैं, सिल्क वर्म से, एस आई एल के सिल्क, W O R M सिल्क वर्म। नेक्स्ट है अ डैश इज कैप्ट एज अ पेट इट कैचेज माइस, कौन चूहे पकड़ता है बिल्ली, तो क्या कर लिखेंगे यहाँ पे कैट सी ए टी कैट। अ कैट इज कैप्ट एज अ पेट, बिल्ली को घर में पालतू जानवर के तौर पर रखा जाता है। इट कैचेज ये पकड़ती है माइस चूहे। अ डैश लेज एग, अंडे कौन देता है हैन, कौन देता है हैन, H E N hen। नेक्स्ट है वी गेट वूल, हम ऊन कहाँ से हासिल करते हैं फ्रॉम, आगे रह गए शीप और एग्स, तो कहाँ से हासिल करते हैं शीप भेड़ से, S H E P शीप शीप। आगे है फ्रॉग्स एंड फिश आर सिमिलर, मेंढक और जो मछली है तकरीबन एक जैसे हैं, बिकॉज क्योंकि बोथ ले तो दोनों देते हैं डैश इन वाटर पानी, तो दोनों पानी में क्या देते हैं अंडे। एग्स आएगा ई डबल जी एस एग्स। नाउ ओपन द पेज नंबर 38, लुक एट द पिक्चर, वो कह रहे हैं इस पिक्चर को देखें एंड कंप्लीट द फिफ्थ फाइल अबाउट द फ्रॉग बिलो, और कह रहे हैं कि इस पिक्चर को देखते हुए कि नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं आपने मेंढक के बारे में जो दिया गया है उसको कंप्लीट करना है यूजिंग द करेक्ट वर्ड, सही अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए एंड फ्रेजेस जुमलों को फ्रॉम द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में नीचे दिए गए हैं इनको इस्तेमाल करते हुए आपने फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अ फ्रॉग लिव्स इन, मेंढक अफ्रोक मेंढक लिव्स रहता है इन किस में, एयर हवा में, वाटर पानी में, लैंड ज़मीन पर, लैंड एंड वाटर ज़मीन और पानी दोनों में, तो पानी पर भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है, तो क्या लिखेंगे लैंड एंड वाटर, एल ए एन डी लैंड ए एन डी एंड डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर लैंड एंड वाटर। सेकेंड है इट हैज़ डैश लिम्स 2, 4, 6, कितने होते हैं 4 होते हैं, कितने होते हैं 4, F O U R 4, देखिए 1 एक इधर है 1, 2, 3, 4। इट्स स्किन, इसकी जो खाल होती है ग्रीन कलर की जो नज़र आ रही है ना ये, इट्स स्किन इज डैश ड्राई एंड स्केली बम्पी एंड वेट, कहते हैं खुश्क और वो जैसे मछली के ऊपर लगे होते हैं ना वाइट वाइट कलर के, इस तरह करें बम्पी एंड वाइट नरम और
बम्पी एंड वेट, गीली और चिपचिपी सी, तो कैसी होती है? बम्पी एंड वेट होती है ना, तो क्या राइट करेंगे? बी यू एम बम पी वाई पी बम्पी ए एन डी एंड डब्ल्यू ई टी वेट बम्पी एंड वेट इट डैश आर नेक हैज डज नॉट हैव इसकी गर्दन होती है नहीं होती तो क्या राइट करेंगे डज नॉट हैव डी ओ ई एस डस एन नॉट ई नॉट डस नॉट एच ए वी ई हैव इट डज नॉट हैव अ नेक इसकी गर्दन नहीं होती इट ईट्स डैश ये क्या खाता है फ्लाइज मक्खियाँ ग्रास घास तो क्या खाता है फ्लाइज मक्खियाँ एफ एल आई ई एस फ्लाइज इट डैश हिसिस क्रॉक्स स्क्रीचिस इसकी अब आवाज़ कैसी होती है क्रॉक्स सी आर ओ सी के सी आर ओ ए सी आर ओ ए के एस क्रॉक्स नेक्स्ट है बेबी फ्रोगर कार्ड बेबी फ्रोगर क्या कहते हैं टैडपोल या टैडोसिस टैडपोल क्या कहते हैं टैडपोल टी ए डी टैड पी ओ एल ई एस टैडपोल नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फोर नहीं करना हमने क्वेश्चन नंबर फाइव स्टार्ट करते हैं नेम द फॉलोइंग अभी जो नीचे लिखा गया इनके नेम बताने आपने क्या चीज़ होती है एन एनिमल विद द हैम्प ऑन इस बैक हैम कहते हैं जो रीढ़ की हड्डी उभरी हुई होती है ना उसको बोलते हैं कोहान एन एनिमल विद द हैम्प ऑन इट्स बैक तो ऐसा कौन सा एनिमल होता है कैमल सी ए एम ई एल कैमल नेक्स्ट है एन एनिमल विद हॉर्न्स ऐसा कौन सा जानवर है जिसके सींग होते हैं तो किसके होते हैं बुल आप कोई भी राइड कर सकते हो लेकिन हम यहाँ राइड कर रहे हैं बुल बी यू डबल एल बुल नेक्स्ट है एन एनिमल विद क्लॉज क्लॉज कहते हैं पंजों को तो ऐसा कौन सा जानवर है ईगल ई ए जी एल ई ईगल नेक्स्ट है एन एनिमल विद थस्क तो कौन सा होगा एलिफेंट ई एल ई एल ई पी एच ए एन डी एलिफेंट नेक्स्ट है एन एनिमल विद फर फर कहते हैं जो ऊपर खाल होती है नरम नरम बालों वाली एन एनिमल ऐसा जानवर जिसकी खाल नरम नरम जिसकी खाल होती है बालों वाली होती है तो ऐसा कौन सा एनिमल है रैबिट आर ए डबल बी आई टी रैबिट नाउ क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर सिक्स लुक एट द पिक्चर्स ऑन पेज नंबर 33 एंड मैथ द फॉलोइंग अब वो कह रहे हैं कि जो जानवरों के मतलब पार्ट्स के बताए हुए पेज नंबर 33 पे है आपने बताना है कि इनका ये इनका क्या काम है ये किस लिए यूज़ करते हैं हम ठीक है फर्स्ट है ट्रंक तो ट्रंक सूंड वो कहते हैं एलिफेंट हाथी देखा ना उसकी सूंड होती है ट्रंक वो किस लिए इस्तेमाल होती है फॉर ग्रैस्पिंग ब्रीथिंग एंड प्रोड्यूसिंग साउंड पकड़ने के लिए किसी चीज़ को सांस लेने के लिए और प्रोड्यूसिंग साउंड आवाज़ निकालने के लिए ट्रंक को मैच करेंगे नंबर सी से नेक्स्ट है फर फर कहते हैं खाल को जो ऊपर जानवरों के ऊपर होते हैं इनको बचाने के लिए सर्दी से बचाने के लिए तो अब क्या इसको मैच करेंगे सेकंड को डी के साथ फर कीपिंग वार्म गर्म रखने के लिए जो उनको इस्तेमाल करती है खाल उनकी यूज़ होती है आगे है नंबर थर्ड पे है फिन परिंदों के जो पर होते हैं उनको कहते हैं फिन अब ये किस लिए यूज़ करते हैं हम नंबर थ्री को हम मैच करेंगे नंबर थ्री को मैच करेंगे बी वाले के साथ फॉर स्लाइडिंग थ्रू द वाटर इजीली फिन जो मछली के पर होते हैं उनको किस में मदद देते हैं पानी में इजीली और आसानी से तैरने में तो थर्ड को मैच करेंगे बी वाले के साथ नेक्स्ट है हॉर्न्स हॉर्न्स किस में मदद देते हैं फॉर फाइटिंग लड़ाई करने में बचने में आगे है टेल टेल कहते हैं दुम को तो वो किस लिए यूज़ होती है फॉर बैलेंसिंग ऑन ब्रांचेस शाखों में बैलेंस रखने के लिए पकड़ने के एलियन को ना ओपन द पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमने नहीं करना इसलिए इनको कट कर देते हैं नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ दीज एनिमल्स इन द करेक्ट कॉलम्स ऑफ द टेबल बिलो नीचे जो टेबल बनाए गए हैं उनमें आपने इनको राइट करने जो एनिमल्स के नेम राइट किए गए हैं इनको करेक्ट कॉलम में राइट करना फर्स्ट है वी लिव इन वाटर इनमें से कुछ जानवर जो पानी में रहते हैं वो इस साइड पर आ जाएंगे वी लिव इन वाटर और जो पानी में नहीं रहते वो इस साइड पर आ जाएंगे वी डू नॉट लिव इन वाटर फर्स्ट है लिजर्ड लिजर्ड कहते हैं छिपकली को तो वो किस में आएगा वी डू नॉट लिव इन वाटर ये पानी में नहीं रहते एल आई Z
LIZARD, लिजर्ड. नेक्स्ट है रैबिट, तो रैबिट भी पानी में नहीं रहता. सेकंड पे है रैबिट, तो रैबिट भी पानी में नहीं रहता, तो किस तरफ आएगा, वी डू नॉट लिव इन वाटर, RABBIT, रैबिट. नेक्स्ट है गोल्ड फिश, तो गोल्ड फिश भी, गोल्ड में इसके साथ इसमें नाम में फिश आ रहा, तो फिश हमें पता है मछली पानी में रहती है, तो क्या करेंगे, तो राइट करेंगे GOLD, गोल्ड, FIIS, गोल्ड फिश. नेक्स्ट है बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई भी पानी में नहीं रहती, तो इस तरफ आ जाएंगे सेकंड वाले कॉलम में BUTTER, बटर, FLY, फ्लाई, बटरफ्लाई. आगे है टैडपोल, वो पानी में रहता है, तो वो इस तरफ लिखेंगे TAD, टैड, POLE, पोल, टैडपोल. नेक्स्ट है इल, अब वो कहाँ राइट करेंगे, ये भी पानी में रहती है, तो इसको इसके साथ राइट कर देते हैं EL, इल. नेक्स्ट है क्रैब, केकड़ा, वो भी पानी में रहता है, तो इसको इस साइड पे राइट करेंगे CRAB, क्रैब. नेक्स्ट है वेल, तो ये भी पता है पानी में रहती है, इसको भी इसी साइड पे राइट करते हैं WHALE, वेल. नेक्स्ट है स्कॉर्पियन, ये कहाँ रहता है, पानी में नहीं रहता, तो इसको इस साइड पर राइट करेंगे SCOR, SCORPION, स्कॉर्पियन. नेक्स्ट है सी हॉर्स, सी हॉर्स मतलब सी समंदर को कहते हैं, तो ये इसके नाम से पता चल रहा है ये कहाँ रहता है, पानी में, SECHORSE, सी हॉर्स. नेक्स्ट है ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस भी पानी में रहता है, इसको भी इस साइड पर राइट करते हैं OCTOPUS, ऑक्टोपस. नेक्स्ट है लॉबस्टर, तो ये कहाँ रहता है, ये भी पानी में रहता है, इसको फर्स्ट वाले कॉलम में राइट करेंगे LOBSTER, लॉबस्टर. नेक्स्ट है रेड, रेड चूहा, आपको पता है ये कहाँ रहता है, पानी में तो नहीं रहता, इसलिए इसको इस साइड पर राइट करेंगे सेकंड वाले कॉलम में, वी डू नॉट लिव इन वाटर. नेक्स्ट है ऑरंगयूटन, ये भी पानी में नहीं रहता, तो इसको इस साइड पर राइट कर सेकंड वाले कॉलम में राइट करेंगे ORANGUTAN, ऑरंगयूटन. नेक्स्ट है जैकल, गीदड़, ये भी पानी में नहीं रहता, तो इसको भी इस साइड पर राइट करेंगे, मतलब सेकंड वाले कॉलम में, वी डू नॉट लिव इन वाटर, JACKAL, जैकल. आगे है शार्क, शार्क मछली है, तो ये कहाँ रहेगी, पानी में, SHARK, शार्क. आगे है स्नेक, सांप, सांप कहाँ रहता है, पानी में, तो इसको कहाँ राइट करेंगे, पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रह सकता है, तो कहाँ राइट करेंगे इसको, We do not live in water. ज़मीन पर राइट कर देते हैं हम SNAKE, स्नेक. वैसे वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है. नेक्स्ट है फ्लाई, फ्लाई कहाँ होता है, We do not live in water. ये भी पानी में नहीं रहती थी, ये भी जानवर पानी में नहीं होता, तो राइट करेंगे फ्लाई, FLY. आगे सेकेंड लास्ट नाइटिंगेल, बुलबुल, तो ये परिंदा है, तो ये तो पानी में नहीं ना रहेगा, तो इसको इस साइड पर ऐड करेंगे NIGHTIN, नाइटिंग, GALE, नाइटिंगेल. आगे है सेंटीपीड, तो ये भी कहाँ ऐड करेंगे, वी डू नॉट लिव इन वाटर वाले कॉलम में, इसको इधर ऐड कर लेते हैं लास्ट पे SENTI, सेंटी, PEDE, सेंटीपीड. अब हमारा बुक कंप्लीट हो चुका है, आपने इसको अच्छे से याद करना है.